फैमिली, वेलकम टू फर्शर्स कुकिंग। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे हो। तो जैसे आज सेकेंड डे है हमारे रोज़े का, तो अभी तक तो मैंने मेन्यू डिसाइड नहीं की। हेलो, वेलकम बैक। तो ये देखिए, ये मेरे भाई को उनके फ्रेंड ने ना बैंगलोर से ये कुछ चीज़ें भेजे हैं। जैसे ये हो गई पाम जैगरी है, गुड़, और जैसे ये हो गया, ये मैंगो का पिकल दिए है, पानी वाला अचार है ये। ये हो गई कंटल रॉ जैक फ्रूट, और साथ ही में दिए हैं उन्होंने दिस इज़ कॉल्ड पुलाव पत्ती, और राइस भी दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर से। बहुत ही अच्छे लग रहे, कितने दिखने में भी कितने क्यूट लग रहे बोलूँगी, बिकॉज़ यूजुअली हम जो जैगरी खाते हैं वो तो अलग होते हैं, बट ये इनका जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही अच्छा लग रहा है। हेलो, तो जैसे मैंने आपको बताई हूँ, मैंने अभी एक सब्ज़ी बनाई हूँ जो लाइक लेफ्ट ओवर थी, तो हमने उसमें वही हमारे जो लास्ट नाइट हमने जो सोया बनाए थे उसी में ऐड करके हम हमारी सब्ज़ी रेडी कर देंगे। और साथ ही में मैं बनाऊँगी अभी लाइक मैंने आपको चिकन मैरिनेशन करके रखी हूँ, वो वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे। और जैसे मेरे भाई के फ्रेंड लाइक मेरे भाई के जो फ्रेंड है ना, उन्होंने मैंगलोर से जो कुछ चीज़ें भेजी थी वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो देखते हैं, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद फिर से। ये देखिए हमारे पास में कौन है? बीबी है। बीबी अभी तक गई नहीं है। ये तो देखो बीबी, आगे देखो। हेलो, वेलकम बैक। तो ये हम बनाने वाले चना चाट, जिसके लिए मैंने ये काले चने ली, इसको बॉईल करके मैंने रख चुकी हूँ। और अब हम इसके आगे के प्रोसेस में देखें हमें इसको चाट कैसी बनानी है। साथ ही में हम बनाएंगे रवा फ्राइज। सबके लिए मैंने ले ली एक कप रवा है, पानी हो गए, दो बॉइल्ड आलू हो गए, कोथमीर हो गई, मसाले में हो गए जिंजर गार्लिक पेस्ट है थोड़ा सा, रेड चिली पाउडर, नमक, कॉर्नफ्लावर, मिर्ची, मिक्स हर्ब्स। तो जैसे अभी ये मैंने आपको इंग्रेडिएंट दिखा दी हूँ, तब तक हम हमारा चना चाट देखेंगे। तो हमने हमारे चने में कांदा, मिर्ची, कैरी, नींबू, नमक, चाट मसाला बना के हमने वो एक चाट बना दिए। अब हम लेंगे हमारा रवा फ्राइज बनाने के लिए। तो हमने पैन ले लिए, उसमें 2 कप पानी यूज़ किए है, और साथ ही हमारा 1 कप जो रवा था वो हमने ऐड कर दिए। अब रवे को हम देखेंगे कि हमें कितने अच्छे से उसको पका के लेना है, लेकिन हमारा रवा पूरा पक जाना चाहिए। थोड़ा पानी हमें लगे तो हम और कंसिस्टेंसी ऐड कर सकते हैं, और उसको हम अच्छे से पका के लेंगे और हम निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। जैसे आप देख सकते हो मेरा रवा बन के रेडी हो चुका है, और जैसे हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो हमारे जो बाकी के इन्ग्रीडियंट है वो हमें उसमें ऐड करना है। तो ये देखिए हमारा रवा ठंडा हो चुका है। ये है हमारे मैश्ड आलू, कोरिएंडर, और ये जो हमारे अदर इंग्रेडिएंट है, ये सब हमें हमारे रवे के बैटर में ऐड करना है। इसको अच्छा सा एक डो बनाना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, नमक भी ऐड कर लीजिए, और फिर हमको इसको ऐसे जैसे हम फ्रेंच फ्राइज कैसे बनाते या सीख, उस हिसाब से हमें इसको थोड़ा सा पाम पे हमें ऑयल अप्लाई करना है, और फिर हम इसको ऐसे लंबे लंबे फ्राइज जैसे बनाएंगे, और फिर हम उसको शैलो फ्राई करेंगे। और जैसे ये मेरा इफ्तारी का था तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सॉल्ट कम हो गया था, तो ये हमने बाद में जब हमारी इफ्तारी होगी तब मुझे लगा थोड़ा सॉल्ट कम हो गया है, तो कोई बात नहीं, सॉस के साथ में हम खा सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से फ्राई को एक एक करके लाइक जितने थे बना के ले ली हूँ, ये हमारे असेंबल करके हो चुके हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, जिसमें हमें गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए, जैसे तो लग रहे सॉसेजेस जैसे, बट ये बहुत अच्छे लगे बनाने में, लाइक स्नैक्स बहुत अच्छा बनाता है ये। तो देखिए इसको अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन करना है, और गोल्डन ब्राउन बना के हो चुके हैं, क्रिस्पी, बहुत ही क्रिस्पी बने थे ये, अब देखिए। और मैंने इसको पैन पे ही रखी हूँ, हम चाहे तो इसमें थोड़ा सा चीज़ भी ऐड कर सकते थे, बट मैंने ऐड नहीं की, एज इट इज़ रखी हूँ। तो ये देखिए हमारे रवा फ्राइज़ बन के रेडी हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे, और जैसे हमने इसको हमारे इफ्तारी में खाए थे तो बहुत अच्छा लगा। साथ ही में मैंने बनाई थी चिकन फ्राई, मिंट चटनी थी, चना चाट था, रवा फ्राइज थी, बहुत अच्छा बनाए। आइए फर्शा के साथ इफ्तारी खोल लें, मिलते हैं हम थोड़ी देर बाद फिर से। तो देखिए अभी अभी मुझे पता चला, हम गए थे बाहर डॉग्स को खाना खिलाने, और हमें मालूम नहीं डोर बंद था, बट इसने अपने हाथों से
नेल से डोर को ओपन किया और ये बाहर चला गया। अब देखो क्या कर रहा है, देखो हैप्पी ऐसा नहीं करना था। फिर दूसरी कैच रहेगी, हैप्पी को मारेगी वो लोग, हैप्पी को कुछ नहीं मालूम। सॉरी बोल दो, दोबारा नहीं करना है ये चीज। क्या हुआ? हेलो वेलकम बैक। तो जैसे हमारी तैयारी भी करके हो चुकी है और तैयारी करने के बाद ना हमें थोड़ा सा ताकत आ जाती है। तो जैसे हमने आज बनाए थे चिकन फ्राई और रवा क्रिस्पी, लाइक रवा फ्राइज था वो, और मैंने चना चाट बनाई थी बस, और जूस एज यूजुअल जो कॉमन फ्रूट्स रहते बस वही सब थे। तो अभी के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे कल विथ न्यू रेसिपीज विथ न्यू ब्लॉग के साथ में फाशा के स्टाइल में। अभी के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।